नमस्कार, न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। बलिया में यूपी आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बैरिया कस्बे के लाल दिव्यांशु मौर्य को नगर पंचायत बैरिया के अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा मंटा ने मंगलवार को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा ने कहा कि गाँव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गाँव के युवाओं को अगर सही प्रशिक्षण व अवसर मिले तो वे खुद को साबित कर सकते हैं। इसका जीता जागता मिसाल दिव्यांशु है। दिव्यांशु ने प्रयागराज में सम्पन्न हुए यूपी आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के 70 kg भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभी जुलाई अगस्त में होने वाले नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में यूपी का नेतृत्व करेंगे। दिव्यांशु ने बताया कि इसके पहले 8 मई को गढ़वाल बलिया में डिस्ट्रिक्ट आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें उन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ था। दिव्यांशु का सपना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लें तथा भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। तो और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे कार्यकाल में और हमारे नगर पंचायत में ऐसे वीर भाई हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में या बलिया एरिया नगर पंचायत से बढ़कर अपने नगर पंचायत को और जिले का नाम गौरव कर रहे हैं। इनके लिए हमेशा मैं सदैव ऐसे नौजवान भाइयों के लिए सदैव साथ रहूंगा और जो भी हो सकता पड़े उनकी मदद करूंगा। धन्यवाद। नाम दिव्यांशु मौर्य है। मैं बैरिया का रहने वाला हूँ जो बलिया जिले में पड़ता है। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं टीचिंग यानी पढ़ाता भी हूँ बच्चों को और शौक के तौर पर आर्म रेसलिंग यानी पंजा कुश्ती भी करता हूँ। तो ये पंजा कुश्ती का शौक आपको कब से लगा? पंजा कुश्ती का शौक हमको बचपन से है। जैसे कि आमतौर पर कॉलेज में स्कूलों में बच्चे लड़ाया करते हैं, हम भी लड़ाते थे बचपन में। तो फाइनली एक दिन 8 मई 2022 को ये हमारे ही जिले में गढ़वार में एक छोटा सा इवेंट हुआ आर्म रेसलिंग का, पंजा कुश्ती का। वहाँ पर हमने भी ज्वाइन किया उस खेल को और हमने वहाँ पर फर्स्ट और चैंपियन ऑफ चैंपियन भी आए। तो वहाँ के जो आए थे रेफरी बनकर के, उनका नाम है विक्रम सिंह, वो पटना के रहने वाले हैं, वो भी एज अ प्लेयर हैं और रेफरी भी थे। तो उन्होंने मेरा जब देखा खेल तो उन्होंने बताया कि यूपी में तुम्हारे एक डॉक्टर राहुल राज नाम के रेफरी रहते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर भी हैं, आप उनसे जाकर संपर्क कीजिए। अभी आप कहाँ गए थे खेलने के लिए और इसमें? तो हमको छः महीना हमारा स्टार्टिंग भी हुआ है, तो वही हमको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, दाव पैच सभी सिखाते हैं वही। तो अभी 2023 में फर्स्ट बिगेस्ट आर्म रेसलिंग ऑल यूपी ओपन चैंपियनशिप था जिसमें हमने भाग लिया, प्रयागराज में हुआ था और उसमें हमने 70 kg में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद आपका फिर अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव अब नेशनल के लिए तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन जारी रहेगा। और चेयरमैन साहब, आपने आज इनको सम्मानित किया, फोटो ले लीजिए, फोटो ले आइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।